अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं केमिकल सेक्टर की एक ब्लू चिप कंपनी EPCL को डिस्कस करने जा रहा हूँ। EPCL जो कि हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो EPCL उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि EPCL की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, और बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है ये। और अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि इस वक्त मार्केट जो आप देखें 60,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है, और आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मार्केट 70,000 का जो लेवल है वो आसानी से क्रॉस कर सकती है। आज थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी मार्केट में, और कंसिस्टेंटली एक हफ्ते के बाद मार्केट आज नेगेटिव हुई थी, लेकिन कल ये मार्केट का बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा गेन मिल सकता है मार्केट से। और EPCL में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि ये 52 वीक के लो के करीब इस वक्त भी ट्रेड हो रहा है, जब मार्केट 60,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में EPCL एक अच्छी मूव दे सकता है और एक ह्यूज प्रॉफिट और कैपिटल गेन इसमें मिल सकता है। कैपिटल गेन के साथ साथ डिविडेंड भी मिल सकता है। तो आज मैं डिटेल में EPCL को डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, और जिन लोगों के पास है क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, और कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है आप लोगों के लिए, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स, EPCL के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है। केमिकल सेक्टर की तेज़ी से ग्रो करने वाली एक ब्लू चिप कंपनी है। EPCL इस वक्त 52 वीक के लो पर ट्रेड हो रहा है, जब मार्केट 60,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिविडेंड के लिए। बहुत ही कम कीमत में शेयर मिल रहा है इस वक्त, और करंट प्राइस की बात करें तो इस वक्त 44 रुपीज़ पर यह ट्रेड हो रहा है। मैं समझता हूँ अपनी फेयर वैल्यू से बहुत कम कीमत है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 41 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल है। EPS 3 क्वार्टर का है 2023 में, 6.02 इसका EPS है। अर्निंग कंपनी की मज़ीद बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करेगी, और इसका जो अर्निंग है वो बढ़ेगी तो डेफिनेटली शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ आसानी से क्रॉस कर लेगा। तो जिन लोगों के पास अभी EPCL है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक मौका है कि वो इसको अभी एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें मज़ीद ऊपर जाना है स्टॉक को, और अभी ये अपने लोएस्ट पर ही मिल रहा है। बुक वैल्यू 29.14 है। ईयरली डिविडेंड ये हर साल 10 से 12 रुपए का डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को। हिस्ट्री का हाई 93.48 है, जो कि 2022 में इसने बनाया था। देखिए, लास्ट ईयर इसमें एक रैली बनी थी और शेयर का जो प्राइस है वो 93 का हाई बना गया था। तो इस वक्त मार्केट की जो पोजीशन है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक नया हिस्ट्री का हाई बना सकता है EPCL। तो एक बहुत अच्छा शेयर है, इसमें डिविडेंड भी है और ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है। मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है, और जो लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको टाइमली गाइड कर सकूं, ताकि शॉर्ट टर्म में आप लोग बहुत अच्छा कैपिटल गेन और डिविडेंड हासिल कर सकें, और स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने EPCL को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएशन साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।